अब हम सिनर्जिस्टिक एक्शन देख रहे हैं. सिनर्जिस्टिक क्या आते हैं आपके, दैट वाज आपके कि साथ में मिलकर काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन है, जैसे कि सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन कौन कर रहा है, आपका ऑक्सिन भी करेगा और आपका साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन को मैंने समझाया ही था, साइटो का मतलब सेल, काइनिन का मतलब काइनेसिस, तो भाई साइटोकाइनिन तो डिवीजन करेगा ही करेगा. और दूसरी तरफ आपका ऑक्सिन भी कहाँ होता था, आपके मेरिस्टमेटिक पार्ट में होता था जिनमें डिवीजन होता ही होता है, तो ये भी आपका सेल डिवाइड कर रहा है. दोनों ही सेल डिवीजन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो था दोनों ही सेल डिवीजन करवा रहे हैं, दैट विल प्रमोट सेल डिवीजन. तो साथ में मिलकर एक सा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, राइट? आराधना, अविनाश, वर्षा, समीक्षा, आशीष बेटा, अविनाश बेटा, रितिका, यस सर. तो इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक, जहां पे एक सही काम कर रहे हैं, ठीक है? इन चीजों को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से आपके सिनर्जिस्टिक है, कौन से आपके एंटागोनिस्टिक है. तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपके सेल डिवीजन के मामले में सेम है, ठीक है? इसके अलावा एब्सिशन. अब एब्सिशन कौन करेगा मुझे बताओगे, अभी पढ़कर आ रहे हो, एब्सिशन कौन से हार्मोन है जो करते हैं, विच हार्मोन विल प्रमोट एब्सिशन बेटा, नाम बताओ, राइट? अविनाश और रितिका, आराधना और हाँ हाँ बेटा, एक ही नाम क्यों बता रहे हो दोनों, दूसरे नाम भी तो बताओ. हाँ हाँ अविनाश, राइट राइट आराधना, आपका बच्चों ये क्या हो गया, इथाइलिन भी एब्सिशन को प्रमोट कर रहा था और आपका एब्सिसिक एसिड भी प्रमोट करता है, दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं एब्सिशन, तो ये साथ में मिलकर एक ही काम कर रहे हैं. तो ये हो गए इनके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स. एंटागोनिस्टिक जो अपोजिट है, ठीक है? दूसरा था एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो आपके अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है? जैसे कि आपका सबसे पहले आ गया सीड डॉर्मेंसी, ठीक है? सीड डॉर्मेंसी को बेटा आपका प्रमोट कौन कर रहा है, आपका एब्सिसिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था, दैट विल इंड्यूस डॉर्मेंसी, ठीक है? ये आपका सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, इनको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है? डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ठीक है? सीड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, इनको ये डॉर्मेंट कर रहा है, जबकि इसको वो कौन करेगा, इनिबिट आपका, वेयर एज जिब्रेलिन जो होगा, जिब्रेलिक एसिड, दैट विल इनिबिट इट. अभी मैंने ऊपर ये लाइन बताई थी कि आपका एब्सिसिक एसिड और आपके जिब्रेलिक एसिड एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक है, तो यहां पे अब आपको ये एग्जांपल में क्लियर हो चुका होगा कि आपका एक तरफ डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है आपका एब्सिसिक एसिड और उसको इनहिबिट कर रहा है आपका जिब्रेलिक एसिड, डॉर्मेंसी को, दैट इज. दूसरी तरफ अगला सेनेसेंस, सेनेसेंस, सेनेसेंस में बेटा आपका एब्सिसिक एसिड इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है? इथाइलिन भी प्रमोट कर रहा था और इसको इनहिबिट कौन करेगा बेटा, ऑक्सिन, ऑक्सिन दैट विल इनहिबिट इट, या साइटोकाइनिन भी इसको इनहिबिट करेगा. तो ये हो गए इनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स. इज इट क्लियर बेटा, आराधना, रितिका, वर्षा, समीक्षा, आशीष एंड अविनाश बेटा, इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ठीक है, तो ये बेटा आपका देन क्या हो गए, आपके एंटागोनिस्टिक और आपके दूसरे हो गए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स. सिनर्जिस्टिक साथ में मिलकर काम करेंगे और एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अपोजिट करेंगे, ठीक है? इसमें से आपको एब्सिसिक एसिड वाला ध्यान रखना. अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे बेटा, फैक्टर्स की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर, एक्शन ऑफ पीजीआर. ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे एंड देन इसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपका फोटोपीरियोडिज्म, सीड डॉर्मेंसी और वर्नलाइजेशन, ये जो छोटे छोटे तीन टॉपिक है. तो कल मैं आई विल ट्राई कि कल ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूं. ओके बच्चों.